नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में न्यायालय परिसर में कुशालगढ़ क्लब और सीपी हॉस्पिटल के तत्वाधान एवं कुबेर मेडिकल के सौजन्य से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ADJ रेखा चौधरी, न्यायाधीश कृष्णा गुप्ता, अंकुर गुप्ता, जय अग्रवाल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और क्लब के चेयरमैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में लगभग 200 अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी शुगर एवं ब्लड प्रेशर जाँच से लाभान्वित हुए। अंत में क्लब की ओर से डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आइए देखते हैं शिविर की झलकियाँ। यही कहना चाहेंगे कि जो भी सक्रियता से हम लोग कार्य करते हैं उसके लिए स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने कार्य के कारण सब लोग अधिकतर जो है ना अपने इग्नोर कर देते हैं इस वाले पॉइंट को, तो स्वास्थ्य के लिए जो है आप लोगों के समय समय पर कैंप लगते रहे जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ नहीं हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर रहे। हम तो सब बैंक अधिकारी स्वस्थ होने की आप लोगों ने इग्नोर कर लेना अच्छा है। धन्यवाद कि उन्होंने ये शिविर आयोजित किया है, इससे हमें भी पता चला है कि हमें क्या कमी है और कितना हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। आपके चलते हुए हम देख नहीं पाते हैं अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, तो इस तरह के अगर शिविर आयोजित होते रहते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सोचने का मौका मिल जाता है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे और इस तरह के पहल आपके आपने इसलिए आप इसे धन्यवाद के बाद ऐसा करेगा और इस तरह के प्रयास निरंतर हमने किए काम कर रहा है और मैं बहुत ही खुशी है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें भी शामिल किया। धन्यवाद। जो लोग आने में असमर्थ होते हैं या किसी काम के बस आ नहीं पाते हैं, अपना जनरल हेल्थ चेकअप नहीं करवा पाते हैं, वो लोग अपना बढ़िया से हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। वो लोग आराम से उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो कि एक जनरल सुविधाएं होती हैं। जिसमें जो ये परामर्श कैंप हुआ है जिसमें अभिभाषक संघ ने हमको भरपूर सहयोग दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शाखा कुशालगढ़ की तरफ से सभी वकील बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारा क्लब धीरे धीरे उन्नति की ओर प्रग्रसर हो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं CPO हॉस्पिटल को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारे साथ इस मुहिम में जुड़कर हमारे इस कैंप को एक भव्य कैंप बनाने का जो बुक किया है उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। सवाई माधोपुर में बाइक और कार दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल। सवाई माधोपुर लालसोट मेगा हाईवे पर दर्दनाक हुआ हादसा जिसमें बाइक कार से टकराई और कार सामने खड़े ट्रक में घुस गई। घटना में बाइक पर सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया जिनका इलाज जारी है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। उपखंड मलाना डूंगर में पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों महिला व पुरुष मुख्य मार्ग पर आ गए और जाम लगा दिया। ग्रामीणों में जल आपूर्ति को लेकर रोष व्याप्त है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। हमको 20 दिन हो गए हमको पानी नहीं दे रहा। इसके पहले भी तो जाम लगाया था। हाँ, कसाई भरा था, खाई पिया, दो महीना आ गया, दो महीना आया खाई पिया। तुम्हारी बहुत जाम पड़ा हुआ है। बोलो आपकी क्या मजबूरी मांग है भाई साहब हमारे को ना करते इधर का वो हम पानी आ जाए तो बंद कर दिया है। पाली जिले में एक ट्रैक्टर द्वारा टक्कर खाने के बाद बीजागुड़ा से पाली जाने वाली रोडवेज बस खाई में अटक गई जिससे बस सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई। अचानक हुई टक्कर से यात्रियों ने कोहराम मच गया। राहगीरों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।